वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं एक पुरानी ख़राब आयरन से फ़ोटो स्टैंड बना रही हूँ। आयरन की जो वायर है इसको मैं निकाल दी हूँ। अभी इसमें मैं होममेड जेसो का एक कोट लगा रही हूँ। जेसो का कोट लगाना हो गया, अभी इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे एक फैमिली फ़ोटो लेके मैं नॉर्मल A4 साइज पेपर में प्रिंट कर ली हूँ। पानी की हेल्प से मैं फ़ोटो को टियर कर रही हूँ। जहाँ पर फ़ोटो लगाना है बेस में मैं वाइट एक्रिलिक कलर का एक कोट लगा रही हूँ। वाइट एक्रिलिक कलर सूखने के बाद इसमें मॉड पॉज लगा के फिर फ़ोटो को पेस्ट करना है। फ़ोटो को पेस्ट करने से पहले फ़ोटो के पीछे की तरफ थोड़ा सा पानी लगाना हो। पानी लगाने से कागज़ थोड़ा नरम हो जाएगा तो अच्छे से चिपक जाएगा। पानी थोड़ा सा ही लगाइए, नहीं तो पिक्चर का कलर ब्लीड होना शुरू हो जाएगा। मेरा कैमरा ठीक से सेट नहीं हुआ था इसलिए पिक्चर थोड़ा कट हो गया। फोटो पेस्ट करने के बाद उसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। अभी ये सूख गया। सूख जाने के बाद फोटो के ऊपर मटपॉच का एक कोट लगाएंगे, फिर सूखने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये सूख गया। सूख जाने के बाद एक्रिलिक कलर का कोट लगा के इसको बेस के साथ मार्च कराना होगा, जैसे फ़ोटो के दोनों तरफ थोड़ा ब्लूइश टाइप के वाइट है तो मैं थोड़ा वाइट में ब्लू मिक्स करके दोनों साइड से लगा रही हूँ। फ़ोटो के नीचे और ऊपर डार्क ग्रे टाइप के कलर है तो मैं उसमें ग्रे कलर में थोड़ा ब्लैक मिला के इसको लगा रही हूँ। कंप्लीट होने के बाद ये ऐसा हो गया। आयरन के पीछे की तरफ भी मैं ब्लैक ग्रे कलर से कलर कर लिया। अभी मैं एक स्टेंसिल से पीछे की ब्लैक पोर्शन में वाइट एक्रिलिक कलर से थोड़ा स्टेंसिलिंग करूँगी। यह स्टेंसिलिंग मैं रैंडमली कर रही हूँ। मैं जो जो सामान यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी। अभी ये कंप्लीट हो गया। थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूख जाने के बाद अभी इसमें वार्निश का एक कोट लगाऊंगी। वार्निश लगाने के बाद
चार पाँच घंटा सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए वेस्ट मटेरियल से कितना सुंदर फोटो स्टैंड बन गया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।